ई के वाई सी कराने लाडली बहनों को हो रही परेशानी। सेंट्रल बैंक में अव्यवस्थाओं से नाराज दिखी महिलाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रूपए प्रति माह अपने बहनों को खाते में देने की घोषणा की है, तब से आधार केंद्रों में ई के वाई सी कराने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, जो अधिकारियों की परेशानियों का कारण बनती जा रही है। इधर रोज बैंक के सामने लाडली बहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, इससे यहां मेला जैसे नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में कोई बीमार हो रही है और कोई परेशान हो रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया विगत 25 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है और इसके साथ ही पात्र महिलाओं के आवेदन ऑनलाइन भरने का काम भी प्रारंभ हो गया है। सेंट्रल बैंक में दिखी अव्यवस्था, पानी को तरसी महिलाएं। सोमवार को सेंट्रल बैंक लांजी के परिसर के सामने भी लाडली बहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, जो सुबह से ही अपने नंबर के इंतजार में बैंक का दरवाजा ताकती नजर आई। दूसरी ओर मार्च के माह में ही इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे ये महिलाएं खुद तो परेशान हुई है, साथ में अपने छोटे बच्चों को भी अपने साथ बैंक लेकर आ पहुंची थी, जो चिलचिलाती धूप में गर्मी से परेशान होते दिखे। बैंक कर्मचारियों को भी इन परेशान महिलाओं और बच्चों पर तरस नहीं आया और इनके द्वारा ई केवाईसी कराने पहुंची महिलाओं के लिए न तो पानी की व्यवस्था की गई, न तो धूप से बचने के लिए छांव की, जिसके कारण महिलाएं तपती धूप में अपने बच्चों के साथ पानी के लिए भी तरसती नजर आई। एमपीसीडी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर आपका परिचय? मैं अनिश कुमार, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लांजी। सर जैसे कि अभी आपके बैंक में जो ज़्यादा भीड़ दिख रही है महिलाओं की, किस कारण से भीड़ दिख रही है? ये लाडली जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो हाल फिलहाल में लाडली बहना योजना जो जारी किया गया है, उसमें सभी सारी दुनिया आ रही है हमारे बैंक में केवाईसी अपडेशन करवाने के लिए, डिलीवरी करवाने के लिए। सर जैसा देखे जा रहा है यहाँ अव्यवस्थाओं का मंजर दिख रहा है बैंक के सामने, अभी जितनी महिलाएं आ रही दीदियाँ, क्योंकि एक साथ पहले हमारे पास संसाधन सीमित है और विभिन्न संसाधन में भी हमने व्यवस्था बनाने की कोशिश किए हैं, उसके अंतर्गत दीदियाँ जितने भी लाइन में लगी हुई उसके लिए हमने सेट का व्यवस्था किया हुआ है और पीने के लिए ठंडा पानी की भी व्यवस्था किए हुए हैं और एक टोकन सिस्टम भी हमने लगा के रखा है कि प्रत्येक दिन अगले दिन के लिए हर एक महिलाओं को टोकन दे देते हैं और हमने एक सूचना पटल पे भी लगा दिए हैं कि आज इतना महिलाओं का काम होगा, जिसका टोकन पिछले दिन मिला है वही महिलाएं लाइन में रहें, बाकी जिसका टोकन मिला है वो नेक्स्ट डे आए। सर जैसा देखा जा रहा है कि महिलाएं कुछ रोड तक के लाइन लगी हुई है और जिनके लिए छाया की व्यवस्था नहीं है, धूप में खड़ी छोटे छोटे बच्चे लेकर। अभी जो टोकन सिस्टम जो लगाए हैं तो उसमें भी हम अब इस आज से या जो नेक्स्ट डे से होगा उसमें मेरी ही कोशिश रहेगी कि सुबह तक जितने 11 बजे तक सारे टोकन वितरित कर दें ताकि महिलाएं यहां से खुद ब खुद चले जाएं और नेक्स्ट डे अपना काम करवाने के लिए बैंक में आएं। सर जैसे कुछ महिलाएं बता रही कि सूचना पटल लगाया गया जरूर है लेकिन यहां दिख नहीं रहा है, हमारे को सामने दिखना चाहिए तो हमको समझ में आए कि कैसे करना है। ठीक है, तो उसको आपका सुझाव रखता हूँ, सूचना पटल को बनाते हैं। सर सूचना पटल रहने से क्या उनको पता चलेगा, लिखा हुआ पढ़ लेंगे तो बैंक की तरफ से आप सूचना पटल लगवा दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हेलो सर, कहाँ हूँ मैं, बैंक में था, स्टेटमेंट लेना था ना। बने रहिए हमारे साथ एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में, तब तक के लिए नमस्कार।